हाय गाइस, वेलकम टू पूवेक व्लॉग्स। तो चलो, रेडी हो गए क्या तुम? चलो चाहते हैं, चलो लेट्स गो टू। अपना बैग ले लिया है, तुम शूज पहन लिए? ठीक है, चलो लेट्स मूव नाउ। तो हमने ऑटो ले ली, ऑटो से चल दिया हम पुणे स्टेशन की ओर। वीकडे था एंड इवनिंग का टाइम था, तो इट टुक अस अराउंड 40 मिनट्स टू रीच टू पुणे स्टेशन फ्रॉम हड़पसर। तो फाइनली हम पहुंच गए पुणे स्टेशन पे। सच में गाइस, आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट लॉन्गेस्ट जर्नी बाय ट्रेन। सो हम जा रहे थे जयपुर, हम पहुंच गए थे पुणे स्टेशन अराउंड 6:30। एक्चुअली ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी पुणे स्टेशन से अराउंड 4:00, बट इट गॉट डिलेड बाय 4 आवर्स। तो फिर हम अंदर गए टू चेक कि कौन से प्लेटफॉर्म पे इस ट्रेन लगने वाली है। तो यहाँ पे विवेक चेक कर रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाली है ट्रेन। बट हम जब पहुँचे 6:35 अराउंड, टिल दैट टाइम ऑल्सो ट्रेन का शेड्यूल कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था, कौन से प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है ये डिस्प्ले नहीं हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे वेटिंग रूम में। सो वी वेंट टू वेटिंग रूम। वेटिंग रूम ऑल्सो यू नो इट वॉज फुल्ली पैक्ड। अल्टीमेटली सम हाउ वी गॉट 2 सीट्स। कैसे लग रहा है? बट यार डिले हो गई ना। What is your reaction? देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। गाइज, ये है पुणे स्टेशन की चहल पहल। तो हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे हमने एक फ़ोटो खींची थी जस्ट टू शो यू अराउंड। यहाँ पे विवेक मुझे ट्रेन का स्टेटस दिखाते हुए ऐप पे ट्रेन कहाँ पे पहुँची है, कितना डिले और होने वाला है, ये सब शो कर रहा था। देन वी हैड हॉट कप ऑफ टी, ऑफकोर्स इट इज़ मैंडेटरी। जब हम वेट कर रहे हैं एंड कुछ ना करने को हो तो ऑब्वियसली टी इज़ द ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन। सो या वी हैड आर कप ऑफ टी, वी वेर शूटिंग अराउंड, वी वेर ऑब्जर्विंग डिफरेंट पीपल। यू नो जब हम वेट करते हैं जस्ट टू ऑब्जर्व डिफरेंट पीपल, यू नो इट्स लाइक सो मच एंटरटेनिंग बिकॉज सबको बहुत घाई रहती है कि अरे ट्रेन कब आएगी, कब आएगी ट्रेन, कब लगेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी। सो टू ऑब्जर्व पीपल, यू नो इट्स अमेजिंग थिंग, इट्स जस्ट एन गुड एक्सपीरियंस, यू नो, बिकॉज एवरीबडी इज सो एक्साइटेड फॉर देयर। बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर डिस्प्ले हो चुका था वहाँ के टीवी स्क्रीन्स पे। सो हम चल दिए हमारे प्लेटफॉर्म नंबर। हाय गाइस, बहुत लेट हो गई है ट्रेन। वी वर अबाउट टू स्टार्ट एट 4:40, नाउ इट इज़ अराउंड 8:00, स्टिल वी आर वेटिंग, बट फाइनली प्लेटफॉर्म इज डिक्लेयर्ड एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म, वी आर जस्ट वेटिंग। Excited for the journey. Finally, after 4 hours of delay, our train was here at the platform. So we were all excited and ready to start this journey to Jaipur. ये मेरी लाइफ की सबसे पहली लॉन्गेस्ट जर्नी थी जो कि मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली थी। इससे पहले मैं सिर्फ पुणे टू हैदराबाद आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम बाई ट्रेन, बट ऑफकोर्स यू नो दिस वॉज माई फर्स्ट जर्नी। अपनी सीट्स पे कंफर्टेबल हो रहे थे, हम दोनों को अलग अलग सीट्स मिली थी। एक लोअर साइड बर्थ मिला था, दिस वाज माय सीट, एंड विवेक गॉट अपर बर्थ सीट।
सो हम कंफर्टेबल हो रहे थे। फिर जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई अराउंड 9 o'clock, तो हमने घर से कुछ डिनर के लिए कुछ स्नैक्स लाए थे। सो वी स्टार्टेड हैविंग इट। आई प्रिपेयर्ड गोड पूरी एंड माई मदर इन लॉ शी गेव अस मूंग चीला। सो वी एन्जॉयड इट इन द ट्रेन। खाना खा के फिर हमने सोने की तैयारी की। दिस वॉज द व्यू इन द अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 AM। विवेक हैड शॉट दिस वीडियो इन द अर्ली मॉर्निंग। इट वॉज अ नाइस व्यू एंड कोल्ड वेदर। जी हाँ, ये नगाड़ा स्टेशन है। यहाँ पे हम थोड़ी देर उतर गए थे ट्रेन से जस्ट टू रिलैक्स। लेट होते होते 4 आवर्स लेट हो गई है। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी सिंस लाइक सिंस वी बोर्डेड दिस ट्रेन। इट वॉज वेरी गुड। सो या इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस 24 आवर्स जर्नी एंड डेफिनेटली नॉट लास्ट। सो looking forward to it. And that's Vivek here. Sorry, not here. Here. That's Vivek. Bye guys, हम लंच कर रहे हैं कोटा स्टेशन पे। लंच में है पराठा, दही, केचप। चलो इट्स टाइम टू लीव द ट्रेन नाउ। सो फाइनली इन 10 मिनट्स वी विल रीच जयपुर। चलो सब ले लिया। चलो गाइस लेट्स गो नाउ। सब ले लिया सामान? यस सब ले लिया। लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ माय लाइफ, फर्स्ट एंड लास्ट। नो नो, वी आर गोइंग टू हैव मेनी मोर लॉन्ग जर्नीज इन द ट्रेन। देखते हैं देखते हैं।